गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह मैं सुनय पांडे खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन विस्तार में जाने से पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज के सिटी स्कैन विभाग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नवागत एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होगी पहली प्राथमिकता। कांग्रेसियों ने कठुआ और उन्नाव में हुए कांड के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। डीएम की अध्यक्षता में होगी जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस, सदर तहसील में होगा मामलों का निस्तारण। शहर में लगातार चलाया जा रहा है सघन गाड़ियों की चेकिंग का अभियान, एसपी ट्रैफिक ने किया 25 गाड़ियों का चालान। रोडवेज कर्मचारी संघ ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, कहा आगे मांगे नहीं मांगी तो लखनऊ में होगा आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन। गोरखपुर में 6 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई मदरसा बोर्ड की परीक्षा। ई लॉटरी से हुआ शराब की दुकानों का आवंटन, 17 में से 4 दुकानों का ही हो सका आवंटन। अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने की सीएमओ से मुलाकात, सीएमओ ने कहा शासन तक पहुंचा दी गई है उनकी मांगे, आदेश का है इंतजार। गोरखपुर की यातायात पुलिस कर रही है स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक, साथ ही नियमों की भी दे रही है जानकारी। ग्राम स्वराज अभियान के तहत गोरखपुर में चयनित 86 गांव में से 7 गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम संचालन हेतु भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी पीएन शुक्ला होंगे नोडल ऑफिसर। रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम की दीवार को तोड़कर बना अवैध रास्ता, धड़ल्ले से आ जा रहे हैं अनाधिकृत लोग। और आग की घटनाओं से निपटने को तैयार है फायर ब्रिगेड महकमा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दी जानकारी, गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब खबरें विस्तार से। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से आग लग गई। आग की सूचना से मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग से किसी ऑफिशियल नुकसान की सूचना नहीं है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सोमवार को सुबह सिटी स्कैन विभाग के पिछले हिस्से में आग लग गई। इससे पहले लगी आग की तपिस अभी ठंडी भी नहीं हो पाई थी, तब तक फिर से आग के कारण मेडिकल कॉलेज का प्रशासन हक्का बक्का हो गया। बीआरडी के कर्मचारियों की माने तो सुबह 10:15 के करीब बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लगा सायरन अचानक बजने लगा। कर्मचारियों ने इसका फॉल्ट ढूंढने का प्रयास किया मगर फॉल्ट नहीं मिला। करीबन 30 मिनट के बाद फॉल्ट सिटी स्कैन विभाग के पिछले हिस्से में मिल गया। इसकी सूचना टेक्नीशियन प्रतीक दीक्षित ने पुलिस कंट्रोल रूम को दी। वहीं बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी के गौतम मदेसिया के साथ ही अन्य लोग भी फायर सिलेंडर से आग पर काबू करने की कोशिश में जुट गए थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंची अग्निशमन दल के अधिकारियों में डीके सिंह ने सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ और फायर कर्मी भी पहुंच गए। करीबन 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये भी देवरिया के नाते
2013 बैच के आईपीएस अधिकारी रोहित सिंह सहवान ने सोमवार को एसपी नॉर्थ का कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले रोहित सिंह बरेली में एसपी सिटी के पद पर कार्यरत थे। एसपी नॉर्थ के लिए गोरखपुर नया नहीं है। 2012 और 13 में कैंपियरगंज के सीईओ के पद पर भी वो काम कर चुके हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी। इस संदर्भ में उन्होंने आगे कहा, के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई है दौरान मैं यहाँ पे 8-9 महीने लगभग यहाँ पे सीओ कैंपियरगंज रहा था, और उसके बाद क्योंकि क्षेत्र जो है उससे मैं थोड़ा वाकिफ हूँ तो मुझे थोड़ा आसानी इसमें रहेगी। बाकी जो पुलिस संबंधी जो कार्य हैं उनका निष्पादन अच्छे तरीके से किया जाएगा और निष्पक्ष होकर सारे कार्य मेरे द्वारा किए जाएंगे। यहाँ पे जो एसपी सिटी उनके निर्देशन में ही जो यहाँ पे विजिट्स वगैरह आयोजित की जाती तो हमारा तो उनको सहयोग पूरा रहेगा ही, साथ में जो हमारा जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो भी शिकायतें हैं जिस तरह की भी आएंगी और जो भी अपराध का जो केसेस वगैरह हैं उनको जल्दी जल्दी निस्तारण इसमें करने की कोशिश रहेगी। सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कठुआ और उन्नाव में हुए जघन्य हत्याकांड के खिलाफ गोलघर स्थित गांधी प्रतिमा से कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त किया है। कठुआ और उन्नाव में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में कैंडल मार्च का आयोजन गोलघर स्थित श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा से आरंभ होकर महात्मा गांधी के मूर्ति पर जाकर संपन्न हुआ। इस मौके पर जिला कांग्रेस पार्टी के समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों सहित महिला कार्यकर्ताएं भी मौजूद थीं। कैंडल मार्च का आयोजन जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सैयद जमाल ने कहा, जम्मू में और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में जो जघन्य कांड हुआ उसके विरोध में जिला और महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत ही दुख का विषय है। सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, मदमस्त हाथी की तरह चल रहे हैं। जो कोई उनको रास्ते में मिल जा रहा उसको रौंदते हुए उसकी इज्जत और अस्मत को अपने पैरों तले अपने घमंड के पीछे रौंदते हुए आगे बढ़ते चले जा रहा है। उनको ये मालूम नहीं है कि जनता की इज्जत के साथ जनता के मनोबल के साथ जो खिलवाड़ करेंगे तो जनता की भावनाएं जब अंगड़ाई लेंगी 2019 के चुनाव में तो इनका सारा नशा काफूर बन जाएगा, हवा में उड़ जाएगा और ऐसे औंधे चित्त गिरेंगे कि इनको चारों दिशाओं का ज्ञान भी भूल जाएगा। किस दिशा में हमें जाना है इनकी समझ में नहीं आएगा।
उन भाजपा नेताओं को सबक सिखाने के लिए हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल लेकर हम जम्मू में जो 8 साल की बच्ची की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया, मार डाला गया, उसकी आत्मा की शांति के लिए, और उन्नाव में जो जघन्य अपराध किया गया भाजपा द्वारा, उन नेताओं के खिलाफ कड़े से कड़ा दंड तत्काल प्रभाव से देने की मांग करने के लिए निकले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी कैंडल मार्च में हिस्सा लिया था। रात में 12 बजे उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए हम लोगों ने भी कैंडल मार्च का आयोजन किया है। और मैं बताना चाहता हूँ गोरखपुर के अंदर आपके माध्यम से गोरखपुर की जनता को कि राहुल गांधी के बुलंद हौसले के साई में कांग्रेस का एक एक सिपाही इन तानाशाह भाजपा नेताओं से दो दो हाथ करने के लिए हर क्षण तत्पर है। हम मुकाबला करेंगे, जनता की इज्जत आबरू की रखवाली करेंगे, महिलाओं और बच्चियों को इनके कोपभाजन से बचाएंगे और राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर शांति व्यवस्था को, आपसी समरसता को, आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, इनका बहुत नारा चल रहा है बेटी बचाओ। कुछ लोग अब कहने लगे हैं कि भाजपा की सरकार जैसे ही बनी थी तो जो उनके सर्वोच्च नेता हैं जो कहते हैं कि अंबेडकर जी के कारण हम प्रधानमंत्री बने, जब वो जहां जाते हैं उसी को कारण बना लेते हैं। अंबेडकर जी की जयंती पर जाएंगे तो कहेंगे अंबेडकर जी के कारण मैं प्रधानमंत्री बना। बनारस जाएंगे तो कहेंगे मुझे किसी ने बुलाया नहीं है, ना किसी ने भेजा है, गंगा ने आवाज़ दी तो मैं यहाँ चला आया, मुझे बनारस ने प्रधानमंत्री बनाया है। इनको किसने प्रधानमंत्री बनाया, किसके किसके ये बेटे हैं, किसकी किसकी रखवाली करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। इन्होंने कहा बेटी बचाओ, तो हम लोगों ने समझा भाई बड़ा योग्य प्रधानमंत्री मिला जो बेटियों की सुरक्षा के लिए इन्होंने नारा दिया। लेकिन अब जनता के समझ में आ रहा है इन्होंने बेटी बचाओ क्यों कहा था, कि अब भाजपा के नेताओं से अपनी अपनी बेटियों को बचाओ, उनको घरों में सुरक्षित रखो, उनको बाहर मत निकलने दो, पढ़ने लिखने से रोक दो, क्योंकि ये भाजपा की जो मनोवृत्ति है ये महिला विरोधी है, ये महिला को समानता का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इसलिए अपनी अपनी बेटियों की सुरक्षा अब भारत की जनता को, भारत के हर माता पिता को खुद करना पड़ेगा इन भाजपा नेताओं से। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर नहीं, हमारे दर्शकों के लिए एक सूचना है। जिला तहसील समाधान दिवस 17 अप्रैल को सदर तहसील में होगा, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी के विजयन पांडेयन द्वारा की जाएगी। अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रभुनाथ ने बताया कि सभी जिला स्तरीय अधिकारी इसमें उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि अन्य सभी तहसीलों में SDM की अध्यक्षता में तहसील दिवस का समापन किया जाएगा। महानगर वासियों को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसी के तहत सोमवार को विजय चौराहे पर SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान किया गया, जिसमें गाड़ियों के कागजात सहित सीट बेल्ट ना लगाने वालों, हेलमेट ना लगाने वालों और अन्य मामलों में कुल 25 गाड़ियों का चालान किया गया। ट्रैफिक पुलिस की ओर से गोरखपुर में लगातार इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज़ की भी ये अपील है कि आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए ही सड़क पर गाड़ियां चलाएं, नहीं तो अंत में इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। इस संदर्भ में आगे गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया। बिना नंबर वाली तो बन रहा है ना? हाँ, बिना नंबर। कहाँ नाम है? बाइक लियो ना, हमको देना तैयार है। बाइक
क्षेत्रीय रोडवेज कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। धरना दे रहे रोडवेज कर्मचारियों की 11 सूत्री मांगों में से प्रमुख मांगे हैं कि उन्हें भी राज्य कर्मचारी का दर्जा देते हुए 7वें वेतन आयोग की संस्तुति को लागू कराया जाए और साथ ही मृतक आश्रित व्यवस्था को भी लागू किया जाए। अपने प्रदर्शन में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजियां की। उत्तर प्रदेश रोड कर्मचारी संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश रोड कर्मचारी एमएलसी क्या पहचान भाग मांगते नहीं किसी से भी मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भी मांगते हम अपना अधिकार करेंगे काम करेंगे पूरे काम देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे काम मजदूर मजदूर भाई भाई गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष रमेश तिवारी ने कहा कि अगर उनकी मांगों को जल्द नहीं माना गया तो आगामी दिनों में लखनऊ में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस संदर्भ में आगे उन्होंने कहा, क्या मकसद है? देखिए, मूल मकसद है, हम जो सरकार से और प्रबंधन से बार बार यह आग्रह करते हैं कि कर्मचारियों की लंबित मांगें पूरी की जाए, जिसमें 11 सूत्री मांग को लेकर के पहले भी समझौता विभाग ने किया था, शासन स्तर पे भी हुआ था, लेकिन अब तक उसका कोई आदेश जारी नहीं हुआ। आदेश न जारी होने से कर्मचारियों में बहुत सारा आक्रोश है, क्योंकि हम काम करते हैं तो उसका दाम भी मिलना चाहिए, लेकिन दाम न मिल करके केवल काम काम की बात सरकार और विभाग दोनों करती हैं, जिससे हम कर्मचारी काफ़ी क्षुब्ध हैं। अभी हमारा 11 सूत्रीय मांग पत्र जो प्रबंधन को दिया गया है, मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, उसके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आज धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर 16 तारीख को इकट्ठा हुए हैं और इसके बाद भी नहीं सुना जाता है तो 20 तारीख को बड़े स्तर पर लखनऊ में हम बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे, जिसके बाद कुछ भी हो सकता है, यह हमारा प्रांतीय प्रबंधन और प्रांतीय हमारा पदाधिकारी तय करेंगे। हम उसी के तारतम्यता में आज 16 तारीख को अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के बाद उनको समझौता कर लेना चाहिए, जो हमारे समझौते हुए हैं उसको जारी कर देना चाहिए। यह बहानेबाजी के तहत समझौता तो करते हैं लेकिन आदेश जारी नहीं करते हैं। हम आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं कि जो मेरे समझौते हुए हैं, आज हमें 11 सूत्री मांग पत्र जो दिए हुए हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई करके आदेश जारी कर दें। इन्हीं सब को लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं और आगे भी करने के लिए बाध्य हैं। सोमवार को जिले के 6 केंद्रों में मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई।
अयोध्या दास गर्ल्स इंटर कॉलेज में सुरक्षा के बीच संपन्न हुई, जिसमें आमिल कामिल के 86 परीक्षार्थियों में से उपस्थित 70 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिए, जबकि 16 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। आगे नाम लिखा बात करते हुए प्रधानाचार्य अयोध्या दास इंटर कॉलेज की रेमी देवी और परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों ने कहा, मदरसा बोर्ड की परीक्षा शुरू हुई है आज से, ये लगभग 12 दिन परीक्षा चलेगी, 28 तारीख को समाप्त होगी। और हमारे यहाँ 233 बच्चे प्रेजेंट थे, उसमें 96 बच्चे एब्सेंट हैं। ये मदरसा अरबी फारसी बोर्ड का एग्जाम था जी। कैसा पेपर था? पेपर ठीक था। क्या लग रहा है? बिल्कुल सही है। क्या नाम है आपका? पेपर बहुत अच्छा गया जी, और जो भी हम लोगों ने किया सब कुछ अच्छा ही गया, जितना याद किया गया तो उतना ही, वहीं से ज़्यादा। पेपर कामिल का था वैसे जी, अरबी कामिल। कौन सा एग्ज़ाम था ये आप लोग का, कैसा पेपर आया? आलिम अरबिक जी, पेपर सही था, जो ठीक ठाक हो गया, बढ़िया हुआ, बढ़िया। एग्ज़ाम कौन सा था ये? एग्ज़ाम था आलिम अरबी का था, और पेपर बढ़िया हुआ, मदरसा बोर्ड का एग्ज़ाम था ये, पेपर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इलियास। यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा था, कैमरा था, कोई बच्चा चीटिंग भी नहीं किया है, हर बच्चे अपने अपने से ही लिखे हैं, कोई भी मतलब किसी का चीटिंग नहीं किया है, ना ही तो मतलब कोई परेशानी हुई है, सब बच्चे अच्छे से पेपर किए हैं। यहाँ का इंतज़ाम बहुत अच्छा था, कोई चीटिंग का कोई वो नहीं था, जो भी करना था सब कुछ अपने आप से करना था, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों के लिए आगे के लिए नॉलेज के लिए अच्छा है, अपने आप से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्या नाम है? मारिया अमन। कौन सा एग्ज़ाम था? मदरसा अरबी फारसी बोर्ड। मदरसा अरबी फारसी बोर्ड, मदरसा अरबी फारसी बोर्ड, अच्छा था। इंतज़ाम वगैरह बहुत अच्छा था, सब ठीक, चीटिंग नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई मतलब बदतमीजी नहीं है, कोई मैम कड़क तो नहीं बोली, बहुत अच्छे से सब कुछ। क्या नाम है आपका? आसमा खान। ब्रेक में जाने से पहले चलिए दोबारा नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज के सिटी स्कैन विभाग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नवागत एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होगी पहली प्राथमिकता। कांग्रेसियों ने कठुआ और उन्नाव में हुए कांड के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। डीएम की अध्यक्षता में होगी जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस, सदर तहसील में होगा मामलों का निस्तारण। शहर में लगातार चलाया जा रहा है सघन गाड़ियों की चेकिंग का अभियान, एसपी ट्रैफिक ने किया 25 गाड़ियों का चालान। रोडवेज कर्मचारी संघ ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, कहा आगे मांगे नहीं मांगी तो लखनऊ में होगा आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन। गोरखपुर में 6 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई मदरसा बोर्ड की परीक्षा। ई लॉटरी से हुआ शराब की दुकानों का आवंटन,
17 में से 4 दुकानों का ही हो सका आवंटन। अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने की सीएमओ से मुलाकात। सीएमओ ने कहा, शासन तक पहुंचा दी गई है उनकी मांगे, आदेश का है इंतजार। गोरखपुर की यातायात पुलिस कर रही है स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक, साथ ही नियमों की भी दे रही है जानकारी। ग्राम स्वराज अभियान के तहत गोरखपुर में चयनित 86 गांव में से 7 गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम संचालन हेतु भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी पीएन शुक्ला होंगे नोडल ऑफिसर। रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम की दीवार को तोड़कर बना अवैध रास्ता, धड़ल्ले से आ जा रहे हैं अनाधिकृत लोग। और आग की घटनाओं से निपटने को तैयार है फायर ब्रिगेड महात्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दी जानकारी। गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा, 76 सालों से परंपरा विश्वास की। गोरखपुर न्यूज की तरफ से एक विशेष ऑफर, ऐशप्रा के शोरूम पे जाइए और जितने ग्राम के सोने के आभूषण आप खरीदेंगे उतने ही ग्राम के चांदी के आभूषण मुफ्त पाइए। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आबकारी विभाग द्वारा सोमवार को देशी शराब और बियर शॉप के दुकानों का आवंटन ई लॉटरी के माध्यम से कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जीडीए उपाध्यक्ष वैभव श्रीवास्तव की देखरेख में संपन्न हुई लॉटरी व्यवस्था में 17 में से कुल 4 दुकानों का ही आवंटन हो सका, जिसमें 3 देशी शराब की दुकान और 1 बियर शॉप की दुकान का आवंटन हुआ है। जबकि देशी शराब की दुकानों में असुरन चौक के लिए प्रियंका, मिश्रौली की में सूरजा शाही, भस्मा से कविता और बियर शॉप के लिए सूर्य प्रताप सिंह को आवंटन प्राप्त हुआ है। अभी भी 13 देसी दुकानों का आवंटन बाकी है। इस मौके पर एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान भी मौजूद रहे। चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के देयकों के संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि मंडल सीएमओ रविंद्र कुमार से उनके कार्यालय में जाकर मिला और अपनी मांगों को लेकर उनके सामने प्रस्तुत हुआ, जिसमें मुख्य रूप से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव, महामंत्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारियों का कहना है कि राज्य कर्मचारियों का चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति बिल तत्काल पारित कर दिया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अश्विनी कुमार श्रीवास्तव ने बताया, अरे सुनी कौन सा
करना चाहिए जिसमें बहुत बढ़िया सबके लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और फिर किसी का भी रोका नहीं जाएगा भले ही उसमें निजी चिकित्सालय में बैठा है बहुत बढ़िया उसको लाभ दीजिए हमें इसका उस पर जब आप लोगों को पैसा मिले और नियम से है गलत नहीं है आप सब लोगों को पैसा मिले और मिलना भी चाहिए अभी तक हम भी इस नॉलेज में नहीं थे आप भी नहीं थे कि माननीय उच्च न्यायालय इसको रोक देगा हम सब लोग पुराने नियम के अनुसार कार्य कर रहे थे अपना सब इनकम टैक्स माफ होता है उसके ऊपर टैक्स भी लगता है आप टैक्स भी देते होंगे तो कोई गड़बड़ नहीं है इसमें क्या गड़बड़ है इसमें बिल्कुल मिलना चाहिए लेकिन अब जो आज ये मुख्य चिकित्सा महोदय को ज्ञापन दिया गया है कि चिकित्सा में प्रकृति विलोप के द्वारा रोक दिया गया माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने 9 मार्च को एक शासन आदेश जारी किया कि सरकारी कर्मचारी निजी चिकित्सालय में इलाज नहीं करा पाएंगे जबकि वो याचिका जो याचिका 2008 और 9 वर्तमान में चिकित्सा सेवा परिचालन नियमावली 2011 और 2014 प्रचलित है मैंने सीएमओ महोदय से कहा महोदय इस अध्यादेश के तहत पुरानी PIL महसूस ही नहीं होती है लिहाजा खारिज करने के योग्य है उन्होंने कहा ठीक है इस संबंध में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को भी मैंने पत्र भेजा है और शीघ्र ही उनसे वार्ता करके आप लोगों की समस्याओं का निराकरण कराऊंगा और आपके प्रतिपूर्ति देयों का भुगतान कराने की कोशिश करूँगा। इस संबंध में सीएमओ रविंद्र कुमार ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि इन मांगों को शासन में भेज दिया गया है वहां से जवाब आने का इंतजार है। इस संबंध में उन्होंने आगे बताया आज हमारे पास ये लोग राज्य सरकार कर्मचारी परिषद के लोग हैं अध्यक्ष जी हैं और कोषाध्यक्ष जी हैं सचिव सब लोग आए हैं। इन लोगों की मांग चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बारे में जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से थोड़ा सा इन लोगों का समस्या हो रही है उस पर मैंने प्रमुख सचिव को उसके लिए निर्देश के लिए एक पत्र भेजा हुआ है आप सब लोग अवगत हैं और जैसे ही उस पत्र का जवाब मिलेगा तो तब उसके अनुसार हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। गोरखपुर की यातायात पुलिस के द्वारा महानगर के अलग अलग स्कूलों में यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता और जानकारी का कार्यक्रम गत दिनों चलाया जा रहा है। इसी प्रयास के तहत यातायात के नियमों और संकेतों की जानकारी महानगर के सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज में TSI जगनारायण के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर TSI ने स्कूली छात्रों को ट्रैफिक के नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और ये भी कहा कि इस जानकारी को जितना हो सके उतना विस्तृत करें ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता बनी रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इस विषय पर SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया जब आप मोटरसाइकिल लेकर के या आपके भाई बंधु परिवार माता पिता चलते हों तो उनको भी बाइक के तरह ही मोटरसाइकिल शामिल करना चाहिए मोटरसाइकिल के साथ हेलमेट लेकर चलना चाहिए। क्या चीज़ लेकर चलना चाहिए हेलमेट। हेलमेट इसलिए आवश्यक है कि आए दिन इतनी जनसंख्या बढ़ गई है रोडों पर वाहन बढ़ गया है कि चलने में असुविधा होती है। मान लीजिए किसी कारणवश आपको चोट लग गया बहुत बहुत ज़्यादा संख्या में ये हेलमेट न रहने के कारण एक्सीडेंट हुआ। ये चीज़ इसीलिए हम लोग कर रहे हैं कि आप जा कर के अपने घर बताएंगे पिताजी आप अगर घर से जाते हैं मोटरसाइकिल लेके तो उसी साथ में हेलमेट जरूर रखिए ये हेलमेट आपका जान बचा सकता है। बहुत फोर व्हीलर है कि नहीं हम प्रचार प्रसार करने आए हैं कि ये बात आप सुने अपने साथियों को बताएं फोर व्हीलर लेके चलते हैं तो फोर व्हीलर के साथ आप जब बैठते हैं तो आप उसके सीट बेल्ट लगा लें आगे घबराहट भी कर सकते हैं लेकिन सीट बेल्ट क्या करता है कि आपको भागने से रोक लेता है और जकड़ के बैठा देता है एक्सीडेंट से बच जाते हैं। दूसरी बात जो रोके जाए उचित स्थान बना हुआ उस जगह रोकें और सवारी उतारें और उसमें बैठाएं अधिक सवारी बैठा करके न ले चलें इतनी स्पीड में कि अपने आप को स्वयं नहीं बचा पाते। आप जानते हैं कि जो रोड है रोड पे एक बीमार भी आदमी चलता है बूढ़ा भी चलता है दिव्यांग लोग भी चलते हैं बच्चे भी चलते हैं और उसमें बच्चे के अलावा तमाम ऐसे बूढ़े भी चलते हैं। तो आप अपने समझ को रखिए कि आप हाई स्पीड चलेंगे अधिक स्पीड से चलेंगे तो आप अपनी गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और किसी बूढ़े में लगा देंगे किसी बच्चे में चोट लगा देंगे
तो आपकी गलती से बच्चे भोगे। आप अगर स्पीड कम कर लें तो चोट नहीं लगेगा, अपनी गाड़ी को बचा लेंगे। बच्चे क्या करते हैं, कान में एयरफोन लगा देते हैं, सुनाई भी नहीं देता, अगर कोई कहना चाहते हो बात भी नहीं सुनते हैं एयरफोन का। आपने सुना होगा, 2-3 साल की बात है, भदोही कांड हुआ था, जब भदोही में एक बस ड्राइवर था बच्चों के लेके जा रहा था, मानो रही क्रॉसिंग था, कान में लगाया था, बच्चे चिल्लाते रह गए और नहीं सुना, उधर से ट्रेन आ गई, कितने बच्चे मर गए, आपने सुना होगा, 2-3 साल की बात है भदोही की। तो इसको ध्यान रखिए, इसे सबक लिखिए, आप सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, कभी भी वाहन चलाते समय एयरफोन का प्रयोग नहीं करना। आपका फोन आया, आप साइड में बाएं किनारे साइड में लगा लीजिए, बात कर लीजिए, क्या दिक्कत, लेकिन जल्दी भी है, अब जल्दी भी है, जब स्कूल आना हुआ, स्कूल के समय 15 मिनट आप तैयार होंगे, 15 मिनट पहुंचने में तो कैसे स्कूल आ पाएंगे, तो भाग दौड़ करेंगे, क्या उधर भागेंगे, कहीं इधर भागेंगे। तो जब आपको स्कूल आना है समय से चलिए, पर 500 है, बीमा पर 500 है और डीएल पर भी 500 है, हेलमेट पर 100 रुपया है। तो आप इसे अगर लापरवाही नहीं बरतेंगे तो इससे बचत हो सकती है, बच सकते हैं, नहीं तो चलान होगा, जुर्माना ये जो बताया जमा करना पड़ेगा, आपको भाग दौड़ करना पड़ेगा, स्कूल आने में भी समस्या होगी। इससे बचने के लिए सारे हमारा दृष्टिकोण जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ यातायात के संबंध में प्रचार प्रसार के लिए, ये सभी के हित की बात, हम सभी को मिलकर इस काम को करना चाहिए। जैसे हम अकेले आपको बताने के, आप इतने लोग हैं, मैं एक आदमी यहाँ स्कूल में बताने, आप इतने आदमी हैं, अपने भाई बहन जो भी हो, रिश्तेदार हो, नाते हो, जो आपके करीबी हो, दोस्त हो, इस बात को ज़रूर बतावें कि गाड़ी लेके जाते हेलमेट भैया ज़रूर रखिए। देखिए आपके सामने हेलमेट लेके आ रहे हैं विद्यालय में, ठीक है, हेलमेट रखिए, सीट बेल्ट लगा लीजिए, वाहन को उचित स्थान पर खड़ा करिए, ऐसे ना खड़ा कर दीजिए कि आने जाने वालों को लोग परेशानी हो। मैं सेंट न्यूज इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ, आज हमारे स्कूल में यातायात के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, जैसे कि हमें हेलमेट लगा के चलना चाहिए और एयरफोन नहीं लगाना चाहिए, और मतलब ड्राइविंग लाइसेंस और 18 साल एज से थोड़ा गाड़ी को स्पीड कम करके चलाना चाहिए जी, 18 साल की उम्र रहना चाहिए, धीरे गाड़ी चलाना, गाड़ी को स्पीड कम करना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, हमेशा हेलमेट लगा के यूज़ करना चाहिए हम लोग, और हम लोग को गाड़ी स्लो मोशन में चलाना चाहिए, और हेलमेट का जो होता है ये इसको बंद करके लगाना चाहिए, और बाइक चलते समय ईयरफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। एक्चुअली हम लोग लगातार 10-11 महीने से जनता में ट्रैफिक के विषय में जागरूकता के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो हम लोग विद्यालयों में जा रहे हैं ये उसी अनुक्रम में हम लोगों की पहल है, और रोज़ हम लोग एक या दो विद्यालय चिन्हित करके वहाँ पर जा रहे हैं और बच्चों को ट्रैफिक के विषय में ब्रीफ कर रहे हैं, जिससे आज के जो बच्चे हैं कल के नागरिक होंगे तो ये लोग को कम से कम हेलमेट लगाएंगे। किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, क्या बताया जा रहा है उन बच्चों को, ट्रैफिक नियमों का महत्व बताया जा रहा है, ट्रैफिक उपकरणों को धारण करने का महत्व बताया जा रहा है, और अपने जीवन को बचाने के लिए। ग्राम स्वराज अभियान के तहत 14 अप्रैल से 5 मई तक 7 गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत गोरखपुर में चयनित कुल 86 गांवों में संचालन के लिए कोऑर्डिनेटिंग के लिए पीएन शुक्ला डिप्टी सेक्रेटरी कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये जानकारी प्रभारी अधिकारी प्रोटोकॉल ने दी है। उन्होंने बताया है कि श्री पीएन शुक्ला आरएस वर्मा अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के साथ 18 अप्रैल को अपराह्न 2 बजे आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से रास्तों पर लिखा होता है ये आम रास्ता नहीं है, लेकिन हम आपको एक ऐसे रास्ते को दिखाने जा रहे हैं जो खास तो है लेकिन उसे आम से भी ज़्यादा बदतर स्थिति में पहुंचा दिया गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के एकमात्र रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने इस खुफिया रास्ते की। ये एक ऐसा खुफिया रास्ता है जिससे आए दिन लोग बड़ी बेफिक्री से इसका इस्तेमाल करते हैं और धड़ल्ले से आते जाते हैं।
अपनी नाजायज जरूरतों की वजह से ये मानव द्वारा निर्मित अवैध रास्ता आजकल सभी के लिए खुला पड़ा है। कोई भी राहगीर बस स्टैंड से उतरकर बड़े आराम से रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के मुख्य गेट से होते हुए इस सेंधमारी वाले गेट से निकलकर अपनी मंजिल को पहुंच सकता है। फिर चाहे उस समय स्टेडियम में कोई मैच चल रहा हो या फिर कोई ट्रायल हो रहा हो, यह रास्ता हमेशा सबका स्वागत करता है। जब गोरखपुर न्यूज ने इस खबर को गंभीरता से लिया और क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी एके पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि आए दिन वो इसको बंद करवाते हैं और फिर कुछ अराजक तत्वों द्वारा साजिश के तहत इसे तोड़ दिया जाता है। इस बारे में एके पांडे ने बताया कि बार बार पुलिस से भी शिकायत की गई है। बच्चों के साथ कुछ ऐसा जब असामाजिक तत्व तो हैं, उन्होंने शाम के समय कुछ बदतमीजी की मार पिटाई की, उस पर प्रशासन से मिलकर के इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। हाँ, निश्चित रूप से आश्वासन मिला है, वो कार्रवाई पुलिस ने अपना कर दी, प्रारंभ कर दिया है और आश्वासन है कि असामाजिक तत्व जो भी स्टेडियम में दिखाई देगा आशीष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे शहर भर में हर जगह पुलिस तैनात नहीं रह सकती, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दो चार ऐसी घटना, ये हालांकि ऐसी घटना हमेशा नहीं हुई है, ये पहली बार इस तरीके से हुआ है और हम लोगों ने अनुरोध किया है, उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और प्रयास ये है कि इस माहौल को हम लोग जो अच्छा चल रहा है उसको खराब न होने दें। पीछे वाले रास्ते से सर कुछ दीवार तोड़ के आने जाने का भी काम चलता है लोगों के द्वारा सर? वो बहुत पुराने समय से चल रहा है, दीवार को असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ दिया जाता है, फिर बनवाया जाता है, बीच में टूटता है, फिर हम लोग बनवा देते हैं, तो संबंध में भी अनुरोध किया गया है। आगे सर, ऐसे तत्वों को सर चिन्हित भी किया गया है कि? बिल्कुल चिन्हित किया जा रहा है, जो तत्व हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए, अभी आपने अधिकारी की बात सुनी जो लगातार पुलिस से कई बार गुहार लगा चुके हैं। अब जरा नजारा अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा, पुलिस वाले को देखिए कितने धड़ल्ली से ये स्टेडियम का मुख्य द्वार पार करके चोर दरवाजे से होता हुआ बड़ी ही आसानी से निकल जा रहा है। अब तो आप बात को समझ ही गए होंगे, बात वही है, माझी जो नाव डूबे उसे कौन बचाए। भीषण गर्मी में आग की संभावना को देखते हुए फायर ब्रिगेड पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसको लेकर अग्निशमन विभाग 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्नि सुरक्षा सप्ताह मना रहा है। इसके तहत लोगों को आग की सुरक्षा और बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने बताया कि पंपलेट और बुकलेट के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
गर्मी और आग की घटनाओं को देखते हुए फायर ब्रिगेड इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है। उन्होंने बताया कि गोलघर, सहजनवा, गीडा और गोलघर में स्थायी स्टेशन बनाया गया है। वहीं बांसगांव, बढ़लगंज, चौरी चौरा, कैंपियरगंज में अस्थायी फायर स्टेशन बनाया गया है। एक हाइड्रोलिक गाड़ी जो कि 32 मीटर ऊंचाई तक आग बुझाने का कार्य करती है, उन्होंने बताया कि बहुमंजिली इमारतों के लिए देखते हुए 56 मीटर तक की आग बुझाने वाली हाइड्रोलिक गाड़ी की मांग की गई है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी डीके सिंह ने कहा कि आग लापरवाही से लगती है। आग बुझाने के लिए समय से एक गिलास पानी भी बहुत है, वरना भीषण आग लगने पर टैंकर भी कम पड़ जाते हैं। उन्होंने इस संबंध में कहा, ये थोड़ा वो हो गया था ना, हम लोग का एक सप्ताह का कार्यक्रम होता है, 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। 14 अप्रैल को तो जो हमारे फायर सर्विस अकेडमी स्टाफ शहीद हुआ था, मानव में जो आग हुई थी, मानव से सवाल लाठी लगे थे, उसके बाद उसमें जो शहीद हुए थे, हम लोग 14 को तो उसी दिवस मनाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 15 से हमारा प्रचार प्रसार प्रदेश चलता है, इसको समापन होता है। 15 को हम लोग रैली निकाल के और अपने पोस्टर बांट के थोड़ा उसको परिसर में देहात में उसको सबको जागरूक करते हैं। अलग अलग तरह के पोस्टर कम्प्लेट हैं कि शहरी क्षेत्र की आग लिए क्या करना है, देहात क्षेत्र की आग के लिए क्या करना है, पंडाल की आग के लिए क्या करना है, त्योहारों के लिए कैसे मनाएं, बहुमंजिली इमारत में आग के लिए क्या करना है, तो अलग अलग तरह के पब्लिक पोस्टर हैं, अलग अलग किस्म क्षेत्रों के लिए अलग अलग है, उसको हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। और बाकी जिलों में हम लोग शहर में उनका सवार करके शाम को जाते हैं, आता है स्कूलों में, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में, मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में, उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं। ये तो हमारा साल भर चलता है, लेकिन 14 से 20 तक इसको एक अभियान के रूप में हम लोग लेते हैं, उसको करते हैं, जागरूक करते हैं, जिससे लोग उसका जागरूक हो सके, क्योंकि आग कोई भी लापरवाही से लगती है। और शुरुआती दौर में उसके लिए अगर जागरूक है लोग, एक गिलास पानी भी बहुत है, और विलम्ब हो जाए तो 2-4 टैंकर भी कम पड़ता है। तो पहले आग लगने ना पाए, अगर लग जाती है तो उस पर थोड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। इस तरीके से हम लोग उनको अभियान चला रहे हैं, हमारा चल रहा है, और हम लोग इसको हमेशा चलाते रहते हैं, साल भर हमारा चलता मोबाइल चल रहा है, करना है। और इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा बेहतर लोग चलाते हैं, और इसी समय हमारा फायर सीजन भी रहता है, इसी समय में सब ज़्यादा दुर्घटनाएँ होती हैं, जिसको देखते हुए प्रचार प्रसार के साथ साथ पूरा स्टाफ स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थित रहता है, या की सूचना पर उसमें भी थोड़ी कार्रवाई हो, थोड़ा गाड़ी प्रस्थान करें और उसको नियंत्रित किया जा सके। हर साल की अपेक्षा इस साल संख्या कम में है, और अभी कोई बहुत बड़ा नहीं हुआ है, और उम्मीद यही है कि कोई बड़ा इस तरह की संभावना भी नहीं है, और जल्दी हम लोग उसको वैक्सीन को उसमें जो तेजी हो रहा है उसके बाद कम हो जाएगा। कितने स्टेशन अस्थाई हैं, कितने अस्थाई बने हैं जनपद में? 4 फायर स्टेशन अस्थाई रूप में संचालित हैं, एक गोलघर में है जो गोलपुर शहर के अंदर है, दूसरा गीडा में है इंडस्ट्रियल एरिया में है, तीसरा जड़ों में है वो भी गीडा से संचालित है, और एक गोला तहसील में है जो अब्दुलरहमान एक स्थान है वहाँ पे अस्थाई, तो 4 फायर स्टेशन अस्थाई रूप में संचालित है। और 4 जगह हम लोग फायर स्टेशन को देखते हुए, इस समय गर्मियों में अग्नि की दुर्घटनाएँ ज़्यादा होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए 4 जगह हम लोग अस्थाई यूनिट भेजे हैं, जिसमें बढ़लगंज में हमारी एक यूनिट, एक गाड़ी है मैं स्टाफ पासेंजर के साथ, बांस गाँव में भी एक यूनिट है स्टाफ है, चौरी चौरा में एक गाड़ी है, और कैंपियर में 4 जगह हम लोग अस्थायी रूप में फायर स्टेशन खोल रखे हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा तहसील एरिया में और
मुदाज है, जहाँ से नज़दीक पड़ता है वहाँ से गाड़ियों को भेजा जाता है, चुनाव कराया जाता है, जिससे कम समय में गाड़ियाँ पहुँचती हैं और रोजगार को फिर भी हाइड्रोलिक गाड़ियाँ भी मिली है। देख हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है जो मल्टी स्टोरी पर आग बुझाने के लिए है, वो 32 मीटर तक ऊंचाई पर आग पार्किंग करने और इसको करने में सक्षम है हम लोग के पास है। वो उसके साथ साथ अभी अब बिल्डिंगें थोड़ी और ऊँची बनी रह रहे हैं, इसको ध्यान में रखते हुए 56 मीटर हाइट की हाइड्रोलिक प्लेटफार्म की बात हम लोगों ने मुख्यालय से कर रखी है, जिसपे उसको खरीदने की कार्रवाई चल रही है। जैसे परचेज होगा तो एक गाड़ी मिल जाएगी हमको और मिल जाएगी जो 56 मीटर तक पाइप पार्किंग करने में सक्षम होगी। चलिए चलने के पहले जल्दी जल्दी फिर से नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। मेडिकल कॉलेज के सिटी स्कैन विभाग में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। नवागत एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवान ने किया कार्यभार ग्रहण, कहा लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना होगी पहली प्राथमिकता। कांग्रेसियों ने कठुआ और उन्नाव में हुए कांड के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। डीएम की अध्यक्षता में होगी जिला स्तरीय तहसील समाधान दिवस, सदर तहसील में होगा मामलों का निस्तारण। शहर में लगातार चलाया जा रहा है सघन गाड़ियों की चेकिंग का अभियान, एसपी ट्रैफिक ने किया 25 गाड़ियों का चालान। रोडवेज कर्मचारी संघ ने अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना, कहा आगे मांगे नहीं मांगी तो लखनऊ में होगा आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन। गोरखपुर में 6 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई मदरसा बोर्ड की परीक्षा। ई लॉटरी से हुआ शराब की दुकानों का आवंटन, 17 में से 4 दुकानों का ही हो सका आवंटन। अपनी मांगों को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने की सीएमओ से मुलाकात, सीएमओ ने कहा शासन तक पहुंचा दी गई है उनकी मांगे, आदेश का है इंतजार। गोरखपुर की यातायात पुलिस कर रही है स्कूली बच्चों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक, साथ ही नियमों की भी दे रही है जानकारी। ग्राम स्वराज अभियान के तहत गोरखपुर में चयनित 86 गांव में से 7 गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम संचालन हेतु भारत सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी पीएन शुक्ला होंगे नोडल ऑफिसर। रीजनल स्पोर्ट स्टेडियम की दीवार को तोड़कर बना अवैध रास्ता, धड़ल्ले से आ जा रहे हैं अनाधिकृत लोग। और आग की घटनाओं से निपटने को तैयार है फायर ब्रिगेड महकमा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने दी जानकारी, गोरखपुर न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही, तो तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज, न्यूज बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।